Hello everyone, and this video we are going to talk about that how to be confident before your exam. Okay, so 2 days ke baad aapka CET exam aa raha hai, aur it is very very important to be confident with respect to your preparation before going your exam, because अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो डेफिनेटली यू विल पैनिक देयर, एंड जो तुमको आता भी है, जो मार्क्स तुम ला अच्छे से ला भी सकते हो, वो भी तुम अपना ड्रॉप कर दोगे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन द रिमेनिंग 2 days दैट यू हैव, ओके, टुडे और टुमारो, ओके, द टाइम दैट यू हैव इन हैंड, ओके, दिस इज समथिंग दैट आई विल टेल यू, नो योर स्ट्रेंथ एरियाज. ओके, बिकॉज देखो, मुझे नहीं पता कि आपका मॉक्स में क्या स्कोर आ रहा था, मुझे नहीं पता कि आप एक्चुअल सीईटी में कितना मार्क्स ला सकते हो, मुझे उस समय घुसने नहीं है, सब सोचो भी मत. ओके, क्या सोचना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज हैं, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट इन दैट. ओके, मैंने इसके बारे में बहुत प्रैक्टिस किया है, जो मैंने तुमको वीडियो डाला हुआ एक, ओके, दैट नो योर मिस्टेक्स. जब तुमने अपने मॉक्स देखे, ओके, मॉक्स के मिस्टेक्स देखे, तो तुमको उस मिस्टेक्स के थ्रू समझ में आ गया होगा कि तुम कहाँ पे मिस्टेक्स कम किया तुमने, ओके, कहाँ के मिस्टेक्स तुमने आइडेंटिफाई करके ओवरकम कर दिया उसको. तो यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एरियाज. ओके, टू बी इवन मोर स्पेसिफिक, ओके, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एरियाज, बी अवेयर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, आई हैड पुट दिस वन मोर वीडियो विच स्पोक अबाउट कि अलग अलग टॉपिक्स के अंदर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो आइडेंटिफाई करो, जिसके अंदर तुम कितना कंफर्टेबल हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने लिखा कि 5 types ऑफ सीईटी डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, वेर इन यू हैव सम क्वेश्चंस विच टॉक्स अबाउट लाइक लॉट ऑफ नो एडिशन टू बी डन, ओके, कि सबका टोटल करो फिर परसेंटेज निकालो, एक वो होता है. कुछ और डी आई के क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर इट इज मोर ऑफ बेस्ड ऑन मल्टीपल ग्राफ्स. ओके, सम आर प्योरली सिंपल वो रेशियो बताओ, ओके, कि कितना परसेंट ऑफ द टोटल शेयर है, कुछ ऐसा बताओ. सो दीज आर टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू गेट इन डेटा इंटरप्रिटेशन. सिमिलरली हम लोग एज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन सिलॉजिज्म में निकाल सकते हैं, ब्लड रिलेशन में निकाल सकते हैं, कोई भी टॉपिक लाओ, कौन सा टॉपिक लाओ उसमें भी निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, वर्बल में भी निकाल सकते हैं. सो तुमको जो भी तुमने मॉक्स दिया है, जितना भी तुमने पढ़ाई किया है, यू शुड डेफिनेटली सिट डाउन एंड आइडेंटिफाई एंड बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मेरे लिए मेरा एक्यूरेसी रेट अच्छा है, मेरा स्पीड अच्छा है. ओके, बी अवेयर ऑफ दैट. इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, देन यू आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एरियाज, और वो तुमको हेल्प करेगा टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. बिकॉज वेन यू गेट इन योर एग्जाम, ओके, एंड यू नो दैट कि अच्छा ठीक है, नॉट नेसेसरी कि मुझे सबका सब आए, बट आई शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ सर्टन पार्ट कि हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है. ओके, मुझे इन इस टॉपिक पे आए तो लोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है. तो जब तुम एग्जाम में बैठोगे, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस. ओके, एंड यू ऑल्सो हैव दिस क्लैरिटी कि ये एक्स टॉपिक है जो कि मुझे नहीं अच्छे से आता है, जिसके अंदर मेरा एक्यूरेसी रेट बुरा है, तो यू विल काइंड ऑफ अवॉइड दैट और स्किप दैट और नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम इन दैट. सो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है बिफोर एग्जाम. बिकॉज इफ योर कॉन्फिडेंस लेवल इज डाउन, ओके, इफ यू आर इन डाइसी कि क्या होगा पता नहीं, दोस काइंड ऑफ माइंड सेट, ओके, देन जो तुमको आता भी है वो भी तुम स्क्रू अप कर लोगे. सो दैट्स व्हाई आई पोस्टेड दिस वीडियो, दैट आई वांट यू गाइज टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एरियाज, टू नो योर स्ट्रेंथ एरियाज, ओके, बी अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस अंडर ईच ऑफ द टॉपिक्स, ओके, दैट यू कंसीडर एज योर स्ट्रेंथ एरियाज, ये सब करो. ओके, ये लास्ट के दिन में यही सब करने की जरूरत होती है. अगर तुमने ये सारा चीजें कर लिया, सो डेफिनेटली यू विल गो वेरी कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम. फिर तुम्हारा जो भी स्कोर आए वो, बट दैट विल बी योर बेस्ट पॉसिबल स्कोर दैट यू कैन गेट. ऑल द बेस्ट.